हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मौसम बहुत ही अच्छा है। ये देखिए आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश होने वाली है। चलिए आज हम बनाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन फेस पैक जो कि आपके स्किन पे अच्छा ग्लो देगा और आपके अगर झाइयाँ वगैरह हैं तो वो सब भी सही हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं हम। ये देखिए पहले हम लेंगे एलोवेरा, तो हम एलोवेरा की एक लीफ निकाल ले रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने एलोवेरा को निकाल लिया है। अब हम लेंगे नीम की कुछ पत्तियाँ। इस तरह से हमने नीम की कुछ पत्तियाँ ले ली हैं। गाइस, तो अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपना ये बनाया हुआ फेस पैक। तो फेस पैक को अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा फेस की क्लीनिंग करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है कच्चा दूध। कच्चे दूध से अच्छा कोई भी क्लींजर नहीं होता है। अगर आप के पास कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो आप क्लींजिंग मिल्क का यूज़ करिए, मगर आप कच्चा दूध या दूध का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम पहले अपने फेस को अच्छी तरह से कच्चे दूध से वॉश कर लेंगे। देखिए इसमें कॉटन को डिप करके हल्का सा निचोड़ के और हम इसे इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं। देखिए है ना, किसी भी पैक को लगाने से पहले ज़रूरी है कि अपने फेस पे जितनी भी डर्ट और गंदगी है उसको हम साफ़ कर लें। अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से हमने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। फेस और नेक को हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद ही हम इसके ऊपर अपना पैक अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी वो सब निकल चुकी है। तो अब हम अपना पैक लगाएंगे। इसको आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश है आप ब्रश से लगाइए, नहीं तो मुझे तो फिंगर से लगाना ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी से अप्लाई करूँगी। देखिए इस तरह से हम अपने फेस पे इस पैक को लगा लेंगे। अच्छी तरह से लगाइएगा इसे। देखिए ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। इससे आपके फेस पे अगर कालापन आ गया है, टैनिंग आ गई है या अगर पिगमेंटेशन वगैरह है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी इससे दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा पैक है ये। इसको अच्छी तरह से लगाइए। एलोवेरा तो आप जानते ही हैं फेस के लिए कितना अच्छा है, और साथ ही इसमें नीम है। नीम की पत्तियों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिससे वो बहुत ही अच्छी तरह से आपके स्किन की क्लीनिंग करती है। इस तरह से आप पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इसको आप फेस के अलावा अपने बॉडी पे जहाँ भी लगाना चाहें वहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
आप लगा सकते हैं इसको अपने हैंड्स पे, लेग्स पे, जहाँ भी आप लगाना चाहे, इससे क्लीनिंग अच्छी होती है, तो इसको आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरे फेस पे आप इसको लगाइए। इसको आप अगर आपके पास टाइम है तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाइए, और अगर आप 2 बार नहीं लगा पा रहे हैं तो 1 बार तो आप इसे वीक में ज़रूर लगाइए। आपको बहुत महंगा फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया, और अब मैं इसे अपने हाथों पे भी अप्लाई करूँगी। देखिए इस तरह से हम इसे अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं, हाथों की भी टैनिंग वगैरह दूर होगी, आपके हाथ बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको हम पूरे पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसको आप कम से कम 15 मिनट रखिए। 15 मिनट रखने के बाद आप इसको हल्का सा रगड़ के इसको साफ़ करिए, आपकी स्क्रबिंग भी हो जाएगी इसी से ही। देखिए कितना अच्छा पैक बन के तैयार हुआ है, ये देखिए मैंने इसे अपने हाथों पे भी लगा लिया है। देखिए इसको हम अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। इसको आप अपने कोहनी पे ज़रूर लगाइएगा, इससे आपके अगर कोहनी पे डार्कनेस वगैरह है तो वो भी सब साफ हो जाएगी। गाइस जैसा कि आपने देखा, हमने अपने पैक में क्या क्या चीज़ें मिलाई थी, एलोवेरा, नीम की पत्ती, और इसमें साथ ही हमने डाला था कॉफ़ी पाउडर क्योंकि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा क्लींजर का काम करता है। साथ ही हमने इसमें डाला था आलू। आलू बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपके स्किन पे ग्लो लाने के लिए और आपके स्किन के दाग धब्बों को साफ करने के लिए। तो आप इस पैक को लगाने के बाद हल्की सी मसाज करिए, इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं इसको लगाने के बाद। देखिए इस तरह से हम मसाज कर लेंगे जिससे कि ये स्क्रब का भी काम करेगा। इसको इस तरह से मसाज कर लेंगे। देखिए आप देखिए सर्कुलर मोशन में हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने से अगर आपकी पफी आईज है, डार्क सर्कल है, तो वो भी सही हो जाते हैं। आलू बहुत अच्छा काम करता है आपके डार्क सर्कल पे। देखिए इस तरह से हम इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस पे मसाज देंगे। हल्की हल्के हाथ से आप मसाज दीजिए, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है आपको ना। इस तरह से देखिए इस तरह से हम फिंगर्स की हेल्प से फेस पे मसाज करेंगे। इस तरह से हम अपनी स्किन को अपलिफ्ट करेंगे और मसाज देंगे, और ये जो डार्क एरिया हो जाता है इधर टू के आसपास, तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे।
इस तरह से आप अगर मसाज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी बढ़ता है, जिससे आपकी स्किन पे ग्लो आता है। आप कभी भी क्लीनिंग करिए फेस की, चाहे आप फेस वॉश कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या जो भी चीज़ आप फेस पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप हल्की मसाज फेस पे भी ज़रूर दीजिए इस तरह से, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्किन आपकी टाइट होगी और जो दाग धब्बे हैं वो भी कम हो जाएंगे आपके, इस तरह से टैनिंग वगैरह सब दूर हो जाएगी। देखिए पहले ही बार के यूज़ से आपको फ़र्क साफ दिखाई देने लगेगा, आपके स्किन पे कितनी ब्राइटनेस आ गई है, कितना ग्लो करने लगेगा आपका चेहरा। इस तरह से अपलिफ्ट करेंगे हम अपने फेस को, जो आपकी स्किन ढीली हो गई है, लटक गई है, वो भी सही हो जाएगी। इस तरह से आप अपलिफ्ट करिए अपने फेस को। साथ ही आप इधर यहाँ इस तरह से लिफ्ट करिए, ताकि आपकी जो डबल चिन है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इससे इस तरह से चिन पे मसाज, साथ ही आपके अगर ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, तो इस तरह से आप मसाज करने के बाद जब फेस धोएंगे तो ब्लैक हेड रिमूवर से आप अपने ब्लैक हेड्स यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए आँखों के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करने से आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक तरह से आपकी आँखों की एक्सरसाइज हो रही है। तो इस तरह से देखिए हम फेस पे अच्छी तरह से मसाज देंगे सर्कुलर मोशन में, और फॉरहेड पे हम इस तरह से मसाज देंगे, ताकि आपके फॉरहेड पर फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं तो वो हट जाएंगे। इस तरह से देखें, कुछ फेस के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको कि प्रेशर देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। देखिए एक ये पॉइंट है, यहाँ पे हमें हल्के हाथ से प्रेस करना है। एक ये आँखों के बीच का पॉइंट होता है, जिसको हमें हल्का हल्का प्रेस करना होता है। साथ ही यहाँ माथे के बीच में, एकदम आईब्रोज के बीच में यहाँ पे पॉइंट होता है, इसको हमें हल्के हल्के से मसाज करना होता है और इसको हमें प्रेस करना होता है। साथ ही टेम्पल एरिया जो हमारा होता है, इस तरह से हम अपने आँखों के दोनों तरफ कोने में इस तरह से हम प्रेस कर देते हैं हल्का हल्का, इस तरह से देखिए। और एक पॉइंट होता है यहाँ, इस तरह से हम फेस पूरा अच्छे से मसाज देंगे। इस तरह से यहाँ प्रेशर दिया जाता है, ये तो ये आपके फेशियल मसाज के स्टेप्स हैं, जिससे कि आप ये प्रेशर देंगे प्रेशर पॉइंट्स पे, तो आपकी खूबसूरती और निखर के आएगी। इस तरह से देखिए इतनी देर मैंने मसाज कर ली है अपने फेस के, इसी तरह से आप भी करिए। देखिए ये अच्छी खासी मसाज हो गई है,
बाकी डबल चिन के लिए आप इस तरह से अच्छे से इस तरह से आप अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी स्किन को। और ये वाला देखिए, ये अच्छी खासी आपकी मसाज हो चुकी है। तो अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, तब आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कि फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है और फेस कितना क्लीन लग रहा है बिल्कुल। फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया हुआ है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरे नए वीडियोस देख सकें। प्लीज़ गाइस इस चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।